नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। हम इमविद राकेश पे भी हैं और साथ में एक नए चैनल पे भी होंगे। आप लोगों को शायद उस नए चैनल पे भी मुझे देख रहे होंगे जिसका नाम है नेक्स्ट टीचर। तो ये क्या राम कहानी है? बेसिकली मैं बता दूं कि हम लोग जो एम विद राकेश पे पूरे लेक्चर्स देखते हैं, 2-2.5 सालों से लगभग उस पर आप लोग को लेक्चर्स मिल रहे हैं, जिसपे कि हमारा क्राउड कौन कौन है, PCS, GS कंटेंट है ना, UPSC, PCS, UP SSSC इस टाइप के, और साथ में टीचिंग रिलेटेड एग्जाम KVS, GSSB, UP TGT, PGT, जो भी KVS, जो भी टीचर्स रिलेटेड एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड क्राउड था। एक चैनल पे दो अलग अलग क्राउड को हैंडल करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि शायद ये न्याय संगत नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब टीचर्स फ्रेटर्निटी के लिए एक ऐसा चैनल जो सिर्फ टीचिंग रिलेटेड एग्जाम, टीचिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू टीचर्स फ्रेटर्निटी है ना, उसके लिए एक चैनल बनाया है। नाम सोचा कई दिनों से, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुनिया भर के नाम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अंत में भावी शिक्षक होने के नाते एक ऐसा ही शब्द था, बहुत साधारण सा है, कुछ भी कैची इसमें नहीं है, क्योंकि कुछ भी चटक होने से चीज़ें नहीं बनती हैं, कैची होता है हमारा संघर्ष। इसमें बस एक चीज़ कॉमन है कि संघर्ष जारी रहेगा। ये जो हमारी टैगलाइन है ये वहाँ भी है, मतलब अब संघर्ष जारी है और बहुत स्पेसिफिक हो गया है। इसीलिए हमारा नेक्स्ट चैनल, अगला चैनल एक और चैनल है नेक्स्ट टीचर के नाम से, जिसमें हमारी KVS, GSSB, UP TGT, HTET, रीट या बिहार टेट, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, UP PGT, TGT, LT ग्रेड, GSSB, PRDT, TGT, स्पेशल एजुकेशन, एवरीथिंग उस चैनल पे मैं इन विद राकेश पे कम्प्लीटली, इसको कम्प्लीटली लेके नहीं चल सकता था, बिकॉज मेरा बहुत ही डेडिकेटेड क्राउड PCS का और GS रिलेटेड है, जो कि अपने को नेग्लेक्टेड फील करता है। इसलिए ये चैनल अब रहेगा नेक्स्ट टीचर जो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं आप लोगों से वही मेहनत चाहता हूँ जो आप लोगों ने 2 साल से मुझे 2.5 साल से दे रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत है आज, फिर 2 साल बाद मैं बिल्कुल उसे ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप लोगों से बस मैं आग्रह कर सकता हूँ कि इस चैनल को प्रोपेगेट कर सकते हैं, थोड़ी मेरी इज्जत बच जाए, बिकॉज लगभग लोगों ने बोला कि सेकेंड चैनल कभी भी चलता नहीं है, सेकेंड चैनल होने से फर्स्ट चैनल पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप इस चीज़ को झुठलाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके जो भी एलिजिबिलिटीज़ है, बहुत सारी एलिजिबिलिटी होती है जो कि सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद ही आपको मिल पाती, जैसे लाइव हो पाना या और कई सारी एक्टिविटी। तो कम से कम आप लोग 10,000 अगर सब्सक्राइबर हमको इनिशियल रूप में मिल जाते हैं तो हमारा चैनल बिल्कुल रन कर जाएगा, और जिसमें डेडिकेशन के साथ हम इस पर लेक्चर डालने शुरू कर देंगे, लाइव लेना, बिकॉज मेरा मोटो है लाइव सेशन, मतलब फुल ऑन। जिस तरीके से आप लोगों को सीटेट से लेके या अन्य परीक्षाओं जो टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो पूरी चीज़ें मिल सके, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें मेरा साथ देंगे। अगर आप मुझे एम विद राकेश भी देख रहे हैं तो भी नए चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें सिर्फ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन आपको उसे प्रेस करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ, वहाँ जाके भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका भी टेलीग्राम ग्रुप मैं बना दूंगा, अभी तो खैर एम विद राकेश के टेलीग्राम ग्रुप है। मेरा पहला लक्ष्य है कि आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो अगर हम एक्सेस कर लेते हैं तो लाइव क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो सके। मैं कल से ही इस पे लेक्चर डालना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अपलोडेड लेक्चर होंगे, और जैसे ही हमारी एलिजिबिलिटी पूरी होती है हम इस पे लाइव क्लासेस भी लेना शुरू कर देंगे। तो आप लोगों ने बिना मांगे मुझे बहुत कुछ दिया है ना, तो सिर्फ मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ, अपना प्यार इस दूसरी बार फिर बना के रखिएगा, और फिर ज़ीरो से शुरुआत करने का आनंद अपना अलग ही होता है। हाँ, निश्चित रूप से टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए आपको अब इस चैनल के अलावा और कोई कमी महसूस मेरे हिसाब से नहीं होगी, बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें बहुत कमाई हैं, वो है ऑथेंटिसिटी है ना, न्यूज़ से लेके हो, कमिटमेंट से लेके हो या काम से लेके हो, तो चीज़ें बिल्कुल जारी रहेंगी। आपका संघर्ष मेरा संघर्ष है और हम दोनों का संघर्ष जारी रहेगा जब तक लक्ष्यों की प्राप्ति ना हो जाए। थैंक यू सो मच। कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए, 10 ग्रुप में शेयर कीजिए, और उन्हीं लोगों को शेयर कीजिए जो डेडिकेटेड हैं इन परीक्षाओं को लेके। फालतू करने से फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज हमें ऑर्गेनिक लोग चाहिए, असली लोग चाहिए। थैंक यू सो मच।